नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा के टू एच न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में अग्रवाल समाज समिति के तत्वाधान से शहर में अग्रसेन महोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसके तहत समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया व साथ ही मीडिया को भी सम्मानित किया गया। इसके बाद अग्रवाल धर्मशाला व उदय मोड़ से अग्रसेन महाराज की विशाल शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से निकाली गई, जो कि अपने यथास्थान पहुंची। इस मौके पर शोभा यात्रा का क्लब 91, ब्राह्मण समाज व अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में सजीव झांकियां सजाई, जो कि आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम रहे। हजारों की संख्या में महिला व पुरुष नाचते गाते चल रहे थे। आइए देखते हैं शोभा यात्रा की एक झलक। गंगापुर सिटी की नसिया कॉलोनी स्थित शास्त्री पार्क में शास्त्री नव युवक मंडल द्वारा कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। हर रोज 9 दिनों तक सजीव झांकियां सजाई जाएंगी। आइए देखते हैं कलश यात्रा की एक झलक। गंगापुर सिटी के हिंगोटा रोड पर युवा गुर्जर समाज के युवाओं ने आरक्षण को लेकर एक बैठक आयोजित की। युवा गुर्जर महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष दर्शन सिंह गुर्जर ने संबोधित करते हुए कहा कि यह दोनों जातियां वर्तमान में ओबीसी आरक्षण का फायदा ले रही हैं। एमबीसी आरक्षण घुमंतू कैटेगरी के लिए बना है। गुर्जर सहित 5 जातियों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिला था। ऐसे में अगर ये मेप गद्दी दोनों जातियाँ एमबीसी में शामिल होगी तो एमबीसी आरक्षण की मूल भावना प्रभावित होगी। यदि एमबीसी में इन्हें शामिल किया गया तो गुर्जर समाज उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। समाज को जनसंख्या काफी है राजस्थान में। हाँ। और हमारे 72-73 भाइयों ने इसमें शहादत दी है। आज भी कई भाइयों के कोर्ट कचहरी में केस चल रहे हैं। कई भाइयों ने नुकसान सड़क धूप गर्मी सब मौसम में हमने सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया है और इनको फोकट में वो मिल रहा है। हमको कोई विरासत में आरक्षण नहीं मिला, हमको संघर्ष की बदौलत और हमारी कुर्बानियों की बदौलत आरक्षण मिला है। हमको आपत्ति है कि हमारा पहले ही बहुत कम 5% आरक्षण है, उसमें इन दोनों जातियों को शामिल करने से हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। बूंदी जिले में महावर समाज द्वारा नवरात्रा स्थापना की गई, जिसमें माता रानी का दरबार सजाया गया। कुसुमलता महावर ने बताया कि नवरात्रों पर माता के भजनों का आयोजन किया जाएगा, साथ ही गरबा नृत्य का आयोजन होगा, जिसमें आसपास की महिलाएं भाग लेंगी। आइए देखते हैं घट स्थापना की एक झलक। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ उपखंड के गांव सरोना स्थित शक्तिपीठ माता रानी 64 जोगनिया मंदिर पर विधायक रमीला खड़िया, एडवोकेट हफसिंह कटारा, कमजी भाई, सरपंच प्रमिला लक्ष्मण दामा, रमीला व्यवस्थापक डॉक्टर मधुसूदन शर्मा द्वारा पूर्ण विधि विधान से नवरात्रा स्थापना की गई। डॉक्टर मधुसूदन शर्मा ने बताया कि मंदिर पर 9 दिनों तक माता के पाठ होंगे व भजनों का आयोजन किया जाएगा। आइए देखते हैं घट स्थापना की एक झलक। नमस्ते नमो नमः आचार्य प्राणायाम की।